वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद ए पोकर गैस्प फिर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। जो क्लर्जीमैन था, जो पादरी था वहाँ पर, उसने बिना कोई आवाज़ किए हुए और अपने हाथ में एक पोकर डंडा सा लेकर के उसको जोर से पकड़ करके दरवाजे को जोर से खोला और उसने बोला सरेंडर, कि तुम समर्पण कर दो। ये बात उसने दरवाजा खोलते ही बोली। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। उसके बाद वो बड़ा ही हैरान हो जाता है और उसको लगता है कि जो कमरा है वो बिल्कुल ही खाली है। एम्प्टी खाली होता है, वेकेंट। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और पर्दों के पीछे भी देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी देखा। देर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी। वहां पर किसी भी होने का कोई भी साइन नहीं लग रहा था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन। फिर भी उनकी तजोरी को खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। और जिस पैसे से वो घर का काम चलाते थे, घर के सामान लाते थे, वो पैसा है वो मिसिंग था, वो गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और इस बात को देख करके कि मनी वॉज मिसिंग बट नो बडी वॉज देयर, ओके, ही केप्ट ऑन सेइंग दैट दिस वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, कि ये एक बड़ी ही असाधारण बात है कि पैसा गायब कैसे हो सकता है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये चीज़ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहती। क्या है कि मिसिज हॉल का जो फर्नीचर है वो बाद में शाम के समय है, उसका व्यवहार देखो क्या होता है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली, वेरी अर्ली। जो लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी थे वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। उन्होंने देखा कि दरवाजा, साइंटिस्ट के रूम का दरवाजा है वो खुला हुआ है। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबॉडी एंटर द रूम। ज़्यादातर दरवाजा है वो बंद होता था और उसको बड़ा गुस्सा आ जाता था। फ्यूरियस मीन्स एंग्री। जब उसके दरवाजे को, ग्रिफिन के दरवाजे को कोई खोलने का प्रयास करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। और ये अवसर उनके लिए बड़ा ही अच्छा था, वो उसको मिस नहीं करना चाहते थे, कि जाकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे के अंदर झांक करके देखा। एंड सा नोबडी। और उन्होंने देखा कि अंदर कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। और उन्होंने छानबीन करने का प्रयास किया। द बेड क्लोथ्स वेर कोल्ड। उसके जो कपड़े थे वो ठंडे थे। एंड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। और उनको लगा कि साइंटिस्ट शायद यहाँ से चला गया है। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो पट्टियाँ, बैंडेजेस होती है पट्टियाँ, और जो वो कपड़े आमतौर पर पहना करता था वो भी वहाँ पर पड़े थे। ऑल ऑफ सडन मिसिज हॉल हर्ड स्निफ क्लोज टू हर ईयर। इसी दौरान मिसिज हॉल ने अपने कान के पास है वो एक छींक की सी आवाज़ सुनी। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेप्ट अप। लेप्ट अप मीन्स ऊपर उठना, जंप अप। तो और थोड़े समय के बाद उसका जो हैट है वो ऊपर उठता है। एंड डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस, और उसके चेहरे पर आकर के लगता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। उसके बाद बेडरूम के अंदर जो चेयर पड़ी थी वो जिंदा हो जाती है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, वो उठ जाती है हवा के अंदर, ठीक है, जंप करती है। इट चेज स्ट्रेट टू हर, और वो उसके पीछे आ जाती है। लेग्स फोर मोस्ट, और उसकी टांगे आगे की तरफ थी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर फियर, वो और उसके हस्बैंड डर जाते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और इस असाधारण चेयर ने, इस जादुई कुर्सी ने उन दोनों को रूम से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद उन्हें लगा कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो लॉक भी हो जाता है। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरेसिस। मिसिज हॉल है वो दौरा पड़ जाता है, हिस्टेरेसिस दौरा हो जाता है, वो अपने दौरे के अंदर उसको दौरा पड़ जाता है और वो गिर जाती है बेहोश होकर के। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। उसको लगता है कि शायद उनका जो कमरा है वहाँ पर कोई आत्माएं आ गई हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम कॉज दिस टू एंटर इन टू हर फर्नीचर। और ये जो स्ट्रेंजर आया हुआ है, हु इज स्ट्रेंजर हियर, मिस्टर ग्रिफिन के कारण, ठीक है, समवन
मिसिस ग्रिफिन के कारण ये फर्नीचर है वो मतलब एक प्रकार से उनको डरा रहा है। द पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉन्ड, वो दुखी होकर के बोलती है कि मेरी माँ बेचारी इसी चेयर के अंदर बैठ करके बैठा करती थी जिस चेयर ने आज मुझे डराया है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और यही चेयर जिसके अंदर मेरी माँ बैठी थी वो उठ खड़ी हुई है मेरे को मारने के लिए। द फीलिंग अमंग द नेबरर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई ए विचक्राफ्ट, और जो पड़ोसी थे वो ये सोच रहे थे कि ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो एक जादू टोने के कारण या विचक्राफ्ट कोई चुड़ैल है वहां आ गई है उसके कारण हो रही हैं। बट द विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन हाउस बिकेम नॉन, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट। लेकिन जब क्लर्जीमैन के घर के अंदर चोरी की जो बात है, बर्गलरी होता है डाका, उसके अंदर जो डाकी की बात है वो इधर उधर पड़ी इधर उधर सुनाई दी लोगों को, तो सारे लोग यही कहने लगे कि ये जो अजीब साइंटिस्ट है वो इन चीज़ों के पीछे है। उसके ऊपर सभी का शक चला गया। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बीइंग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और उसके ऊपर शक है वो और ज़्यादा गहरा जाता है जब उसने थोड़ा समय पहले तो कहा था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास थोड़े समय के बाद है वो पैसा है वो मिलता है। तो स्टूडेंट दिस इज दी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके द साइंटिस्ट इज अंडर सस्पिशन। ओके नाउ व्हेन द साइंटिस्ट स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैन हाउस एंड द फर्नीचर बिकेम अलाइव, ओके दे थॉट दैट इट इज द विचक्राफ्ट, बट नाउ होल ऑफ द सस्पिशन वॉज ऑन मिस्टर ग्रिफिन। ओके नाउ वट हैपन्स टू मिस्टर ग्रिफिन, ओके हु कम्स टू अरेस्ट हिम, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों क्या है कि आइपिंग के अंदर मिस्टर ग्रिफिन का वहाँ आना, ठीक है, वहाँ पर फर्नीचर का उठ के जिंदा हो जाना, उनके पीछे लग जाना, और जो क्लर्जीमैन था उसके घर के अंदर जो चोरी होती है उसके कारण सारे शक हैं वो मिस ग्रिफिन पर आ जाते हैं, और आगे क्या होता है, ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए कौन आता है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके मे गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे।